हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैलिग्नेंट की, जो कि जेम्स वन की बनाई गई एक बेहतरीन हॉरर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है freshmojoindia। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1993 में होती है, जिसमें हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है और वहाँ डॉक्टर फ्लोरेंस आती है और वो बताती है कि गैब्रियल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और ये चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और वहीं पर उसका एक साथी उसे बुलाने आता है और फिर पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई नज़र आती है, जिसमें एक डॉक्टर एक रूम से बाहर गिरता है और फिर एक दूसरा डॉक्टर एक गन तैयार करता है जिसमें बेहोशी के इंजेक्शन डालता है। और फिर फ्लोरेंस रूम में देखती है और वहाँ उसे गैब्रियल नज़र आता है और फिर एक डॉक्टर रूम खोलता है जिसमें गैब्रियल उसका हाथ तोड़ देता है और वहीं पर बिजली जाती है और सब लाल रंग का होने लगता है। और वहीं पर मौका देखकर फ्लोरेंस गैब्रियल को बेहोश कर देती है और फिर वो अंदर आती है जिसमें सब लोग बेहोश होते हैं। और तब फ्लोरेंस भड़क जाती है और वो ऑपरेशन की तैयारी करने कहती है और वहीं पर एक दूसरा डॉक्टर भी नज़र आता है और फिर कुछ लोग गैब्रियल को पकड़ कर बांध देते हैं और वहाँ गैब्रियल के पैर नज़र आते हैं। और फिर फ्लोरेंस उससे बात करती है जिसमें वो बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है और वहीं पर गैब्रियल नज़र आता है और फिर वहाँ का रेडियो शुरू होता है और उसमें से गैब्रियल बोलता है कि वो सबको मार देगा, जिसमें वो अपने विचारों को ब्रॉडकास्ट कर सकता है और वो ऐसे बात कर सकता है। ये चीज़ फ्लोरेंस उसके साथी को बताती है और फिर फ्लोरेंस बोलती कि वो उसे काट देगी। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें हमें मेडिसन नजर आती है और वो अपने घर पर जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है और फिर वो अपने घर में दाखिल होती है, जिसमें वहाँ वो ऊपर अपने रूम में जाती है और वहीं पर उसने अपने बच्चे के आने के बाद की तैयारी भी की होती है। और फिर मेडिसन अपने पति डेरेक से मिलती है जो कि वहाँ पड़ा होता है और वहीं पर मेडिसन उसे थोड़ा जिम्मेदार बनने कहती है और फिर वो टीवी बंद कर देती है, जिसमें डेरेक भड़क जाता है और फिर वो लोग बात करते हैं जिसमें डेरेक उसे डराने लगता है और वहाँ मेडिसन उससे नहीं डरती ये बोलती है, तब वो भड़क जाता है और वो मेडिसन को उसके पीछे की दीवार पर ढकेलता है जिसमें उसका सर काफ़ी ज़ोर से लगता है। और वहाँ वो डरने लगता है तब वो नीचे मदद लेने जाता है और वहीं पर मेडिसन उठती है और वो दरवाजे को बंद कर देती है और फिर वो अपने सर को देखती है जिसमें उसके हाथों में खून नजर आता है। और वहाँ डेरेक आता है और वो दरवाज़ा खोलने का कहता है लेकिन मेडिसन दरवाज़ा नहीं खोलती। और वहीं पर डेरेक सुधरने का ट्राई करेगा ये भी बोलता है और वहीं पर मेडिसन काफ़ी ज़्यादा डरी हुई नज़र आती है। और रात को घर की लाइट बंद होने लगती है और वहाँ सोफे पर डेरेक सोया होता है और वहीं पर उसे अजीब आवाज़ें आती हैं, तब वो उठता है और किचन में जाता है और वहाँ मिक्सर चालू होता है, तब डेरेक उसे बंद कर देता है। और वहीं पर फ्रिज खुलता है, तब डेरेक वहाँ जाता है और उसे देखकर बंद कर देता है। और उसे फिर से आवाज़ आती है, तब वो बाहर आता है जिसमें उसका टीवी चालू होता है और उसमें से उसे आवाज़ आती है और फिर वो उसे बंद कर देता है। और वहीं पर रूम में डेरेक को किसी के होने का एहसास होता है और उसके पीछे एक परछाई नज़र आती है और फिर वो उसे मार देती है। और ये चीज़ मेडिसन भी सपने में देखती है और वो डर जाती है और फिर वो उठती है, तब वो देखती है कि उसके सर से खून निकल रहा था और फिर वो नीचे आती है जिसमें उसे वहाँ डेरेक काफ़ी बुरी हालत में मरा हुआ दिखता है। और वहीं पर मेडिसन को वो परछाई भी दिखती है और फिर वो मेडिसन के पास आती है और फिर वो दूर भागती है और ऊपर वो अपने रूम में बंद हो जाती है और वहाँ दरवाज़ा खुलने लगता है जिसे वो रोक नहीं पाती और वो काफ़ी दूर जा गिरती है। कुछ देर के बाद मेडिसन के घर पर पुलिस ऑफिसर शो और मॉस नजर आते हैं और उन दोनों को एक ऑफिसर सारी चीज़ें बताता है और फिर दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ विनी भी होती है जो कि एक फॉरेंसिक ऑफिसर होती है। और फिर वो लोग लाश को देखते हैं जिसमें वो काफ़ी बुरी हालत में होती है। और फिर हॉस्पिटल में एक तरफ मेडिसन नज़र आती है जिसमें वो उठती है और उसके पास उसकी बहन सिडनी होती है और वहाँ मेडिसन क्या हुआ ये पूछती है, जिसमें सिडनी बताती है कि डेरेक मर चुका है, साथ ही उसका बच्चा भी नहीं रहा। और इस चीज़ से मेडिसन काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और वो चिल्लाने लगती है। अगले दिन वो दुखी होकर बाहर देख रही होती है और वहीं पर ऑफिसर शो आता है और वो उसका बयान लेने आया होता है। और वहाँ पर सिडनी आती है जिसमें वो एक परी के ड्रेस में होती है और वो शो को बताती है कि वो अपने काम से डायरेक्ट वहाँ पर आई थी जिसमें वो स्कूल में पढ़ाती है। और वहाँ शो उसे पूछता है कि मेडिसन के घर पर किसी के घुसने के निशान नहीं मिले, तो क्या कोई उनका दुश्मन था? और वहाँ सिडनी बताती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। और फिर सिडनी मेडिसन के साथ सो जाती है और शो वहाँ से निकल जाता है। और फिर पुलिस स्टेशन में आता है जिसमें वहाँ बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ होता है, जिसमें मॉस बताती है कि डेरेक को काफ़ी बेरहमी से काटा गया था और उसके पड़ोसियों ने बताया था कि वो बार बार मेडिसन पर हाथ उठाया करता था और ये चीज़ मेडिसन को उसे मारने की वजह हो सकती है, ऐसा मॉस का मानना होता है।
कुछ दिनों के बाद सिडनी मेडिसन को उसके घर पर छोड़ने आती है और वो बताती है कि वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन मेडिसन अपने घर पर रहना चाहती है ये बताती है। और वहाँ सिडनी उसे उसका ध्यान रखने कहती है और मेडिसन अपने घर में जाती है, जिसमें उसे काफ़ी अजीब लगता है। और फिर रात होती है, तब मेडिसन नहाकर बाहर आती है और वहीं पर उसे एक स्ट्रीट लाइट चालू बंद होते हुए नज़र आती है और वो उसे ध्यान से देखती है। और फिर ये चीज़ उसके घर की लाइट के साथ होती है, तब मेडिसन नीचे आती है और सब दरवाजे पर्दे बंद करने लगती है। और फिर वो पीछे का दरवाज़ा बंद करने जाती है, जिसमें उसे घर पर अजीब आवाज़ें आती हैं। और वहीं पर पीछे का दरवाज़ा बंद करने के बाद फिर से खुलता है, तब गैब्रियल वहाँ से भागती है और वो ऊपर अपने कमरे में आकर दरवाजे को बंद कर देती है। और इसी तरह से वो पूरी रात गुजारती है। और फिर अगले दिन सुबह मेडिसन स्क्रू और ड्रिल मशीन निकालती है और घर के सभी डोर्स और पर्दों को लॉक करने लग जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सिडनी आती है और वो डोर नहीं खोल पाती और ऊपर मेडिसन खड़ी हुई होती है, जिसमें वो सिडनी को देखकर डर जाती है। और फिर सिडनी को वो अंदर लेती है, जिसमें वो उसके लिए सामान लाई होती है ये बताती है। और फिर वो मेडिसन से पूछती है कि वो ठीक है कि नहीं, और वहीं पर मेडिसन बताती है कि वो काफ़ी बुरी हालत में है और डायरेक्ट ने उसके सर को सामने वाली दीवार में पटकाया था और वहाँ दीवार डैमेज्ड हुई दिखती है। और फिर सिडनी बताती है कि वो तुम्हारे लायक नहीं था और वो मर चुका, ये अच्छा हुआ, जिसमें तुम उससे बेटर डिजर्व करती। और फिर मेडिसन बोलती है कि उसे भी ऐसा ही लगता था। और वहाँ मेडिसन को लगता है कि उसने डायरेक्ट को मारा है, जिसमें वो कंफ्यूज होती है और सिडनी को उसकी बातें नहीं समझती। तब वो बताती है कि वो उसकी सगी बहन नहीं है और उनके माता पिता ने उसे एडॉप्ट किया था। और फिर कहानी शहर की ओर दिखाई जाती है, जिसमें एक अंडरग्राउंड में जिनी नजर आती है और वो बताती है कि शहर के नीचे की जगह पहले सिटी हुआ करती थी और फिर बाद में लोगों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई थी और ये चीज़ें वो लोगों को दिखाती है। और वहीं पर लाइट चालू बंद होती है, तब वो लोगों को डराने का नाटक करती है। कुछ देर के बाद सब लोग वहां से पैसे देकर निकलते हैं और वहीं पर जीनी ऊपर अपने रूम में आती है और वहीं पर लाइट चालू बंद होने लगती है और उसे अजीब आवाज़ें आती है। तब जेनी उस जगह पर आगे बढ़ती है और वहीं पर कोई नहीं होता और फिर वो पीछे आती है और लाइट शुरू कर देती है और वहीं पर उसे कोई नज़र नहीं आता और फिर ऊपर से एक परछाई उस पर हमला कर देती है। कुछ देर के बाद जेनी एक जगह पर घर के टेरेस पर बंधी हुई नज़र आती है और वहाँ वो परछाई दिखती है, जिसमें वो वहाँ के कपड़े देखती है और उसे पहनती है। और फिर वो जेनी के पास आती है और वहाँ पर रेडियो शुरू होता है और वो परछाई बोलती है कि वो कई सालों से उसे ढूंढ रहा था और अब वो उसे मारना चाहता है, लेकिन पहले वो डॉक्टर लोगों को मारेगा ये बताता है। और इस चीज़ से पता चल जाता है कि वो परछाई असल में गैब्रियल है। और फिर डॉक्टर फ्लोरेंस नजर आती है, जिसमें वो अपने घर पर होती है और उसे गैब्रियल फोन करता है और वो बताता है कि वो उसे काट देगा। और फ्लोरेंस ये कॉल किसका है वो समझ नहीं पा रही होती और फिर वो डर जाती है। और वहीं पर वो उसकी ट्रॉफी भी नजर आती है और फिर वो एक फाइल निकालती है और उसे देखती है और उसमें से एक फोटो नजर आता है। दूसरी तरफ रात को मेडिसन घर पर अकेली होती है और वो अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोने जाती है और वहीं पर लाइट चालू बंद होने लगती है। और फिर वो वॉशिंग मशीन के पास जा रही होती है, जिसमें वहां पर उसे कोई भागते हुए नजर आता है, लेकिन वहां पर नीचे आकर वो देखती है तब वहां पर कोई नहीं होता और वहां पर उसे सब चीज़ें अजीब लगती हैं, जिसमें उसके सर पर फिर से खून निकलना लगता है। तब वो उसे साफ करती है और फिर वो वॉशिंग मशीन के पास आकर उसमें कपड़े डालती है और वहीं पर उसे फ्लोरेंस नजर आती है। तब वो डर जाती है और वहीं पर दोनों चिल्लाते हैं और वहाँ मेडिसन एक जगह पर रुक जाती है और वहाँ उसे गैब्रियल नजर आता है और फिर वो फ्लोरेंस को खींचकर एक जगह पर पटकता है और वहीं पर पूरी जगह बदलने लगती है और मेडिसन खुद को फ्लोरेंस के घर में पाती है और वहाँ गैब्रियल उसे पटक पटक कर मारता है और फिर वो उसकी ट्रॉफी गिरा देता है और वहीं पर वो उसे उठाता है और फ्लोरेंस को पकड़ता है और फिर काफ़ी बहरे से उसे मार देता है। और ये देखकर मेडिसन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और वो खुद को खुद के घर में ही पाती है और फिर उसका सर देखती है, जिसमें से खून निकल रहा होता है। अगले दिन डॉक्टर फ्लोरेंस के घर पर मॉस और शो आते हैं और वहाँ विनी बताती है कि हमला काफ़ी बेरहमी से किया गया है। और फिर दोनों वहाँ की चीज़ें देखते हैं और वहाँ शो को उस लड़की की तस्वीर नज़र आती है, जिसमें मॉस बताती है कि फ्लोरेंस बच्चों पर सर्जरी का काम किया करती थी। दूसरी तरफ गैब्रियल फिर से टेरेस पर नज़र आता है, जिसमें वो ट्रॉफी को काटकर अपना हथियार बना रहा होता है और वहीं पर जेनी डरी हुई होती है और वो अपने रस्से काटने की कोशिश करती है और वहीं पर गैब्रियल उसे उसका हथियार दिखाकर डराता है और उसे कुछ भी उल्टा करने से मना कर देता है।
दूसरी तरफ मेडिसन अपने घर पर डरी हुई होती है और वहाँ सिडनी उसे संभालती है, जिसमें वहाँ फ्लोरेंस के मरने की न्यूज़ टीवी पर चल रही होती है और वहीं पर मेडिसन बताती है कि उसने गैब्रियल को फ्लोरेंस को मारते हुए देखा था, जिसमें वो उसी के घर पर थी और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और उसकी बातें सिडनी को समझ में नहीं आती। दूसरी तरफ सो फ्लोरेंस के किए हुए बच्चों के ऑपरेशन देखता है और वहाँ मॉस उसे कुछ पता चले तो बताने कहकर निकल जाती है और फिर सो उस लड़की की फ़ोटो देखता है और उसे एक आदमी को देता है और उसकी उम्र बढ़ाकर आज के हिसाब से उसे दिखाने कहता है। दूसरी तरफ फ्लोरेंस का साथी डॉक्टर बेन अपने घर पर नजर आता है, जिसमें वो फ़ोन पर होता है और इसी बीच फ़ोन में से ख़राब आवाज़ें आने लगती हैं और फिर वो उसकी खिड़की से पानी घर पर निकलता हुआ नजर आता है। तब वो पानी देखता है और वो अपने क्लोज़ेट में जाता है और वहाँ की लाइट करता है और फिर वो एक कपड़ा निकालता है और वहाँ का पानी साफ़ करता है और फिर वो बाहर की ओर आता है और वो खिड़की से बाहर देखता है और उसके पीछे गैब्रियल नज़र आता है और फिर बेन सोने जाता है, तब वो वहाँ पर नहीं होता और फिर बेन अपने बेड पर सो जाता है। दूसरी तरफ मेडिसन अपने घर पर सोई होती है और वो अपना मुंह फेरती है और वहीं पर उसे बेन सोया हुआ दिखता है, तब वो चिल्लाती है और वहाँ मेडिसन के पीछे से गैब्रियल आता है और वो आगे बढ़ता है और फिर वो बेन पर जाकर अपना हथियार निकालता है और काफ़ी बहरहमी से उसके मुँह पर वार करके उसे मार देता है और वहीं पर उसका असली चेहरा भी नज़र आता है, जिसमें मेडिसन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है और वो अपने घर पर नजर आती है और वहाँ सिडनी आती है, तब वो बताती है कि उसने फिर से एक खून होते हुए देखा है और फिर वो लोग पुलिस स्टेशन आते हैं और ये चीज़ सो और मॉस को बताते हैं, जिसमें सिडनी बताती है कि उसे उसकी बात पर भरोसा है और वहीं पर ऑफिसर उसकी बात नहीं समझ पाते हैं और वहाँ सो उसे पूछता है कि उसने क्या देखा, तब वो बताती है कि उसने सिल्वर कप होटल के सामने वाले घर में मर्डर सीन देखा है और फिर वो लोग उस होटल के पास जाते हैं और वहाँ मॉस सबको रुकने और सो को अपने साथ आने कहती है और दोनों ऊपर जाते हैं और वहाँ से रूम की ओर जाते हैं और वहीं पर कोई नहीं होता, तब दोनों अंदर घुसते हैं और फिर वो बेडरूम में जाते हैं, जिसमें वहाँ पर उन्हें डॉक्टर बेन की लाश मिलती है और उसके सामने ही सिल्वर कप होटल का लोगो भी नजर आता है और वो लोग समझ जाते हैं कि मेडिसन सच बोल रही है और फिर वो लोग स्केच बनवाते हैं जिसमें वो काफ़ी अजीब होता है और वहाँ मॉस चली जाती है और सो सिडनी को अपने डेस्क पर मेडिसन का इंतज़ार करने कहता है और वहाँ मेडिसन वॉशरूम में होती है, जिसमें वहाँ की लाइट चालू बंद होती है और फिर उसे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है, तब वहाँ मेडिसन उससे बात करती है और उसकी बात गैब्रियल से होती है और वो बताता है कि उसका असली नाम एमली है और उसके नकली माँ ने उसे एडोप्ट करके मेडिसन नाम दिया होता है और वो उसे जानता है, जिसमें वो पहले सिर्फ आवाज़ हुआ करता था और तब उसे उस पर भरोसा भी था, ये चीज़ वो बताता है और अब वो सबसे बदला लेगा, ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है और इस चीज़ से मेडिसन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फिर वो बाहर आती है और वो सिडनी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलती है और वहीं पर सो अपने साथी को फ़ोटो के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि उसने उसका काम कर दिया है और वहीं पर वो सो देखता है कि वो फ़ोटो असल में मेडिसन की होती है और फिर गाड़ी में मेडिसन ने सब चीज़ें सिडनी को बता दी होती हैं और वो बताती है कि वो लोग उसे ट्रेस कर सकते थे और वहाँ मेडिसन बताती है कि यह पॉसिबल नहीं है और उसका नाम गैब्रियल है, जिसमें उसका कनेक्शन उसके पास से है और फिर दोनों उसकी माँ एमा से मिलने जाते हैं और वो उनसे मिलती है और फिर मेडिसन उसकी माँ से बात करती है, जिसमें वो पूछती है कि क्या उसका कोई गैब्रियल नाम का भाई था और इस चीज़ से एमा चौंक जाती है और फिर दोनों अंदर आते हैं और वहाँ वो लोग मेडिसन के बचपन की टेप्स देखते हैं, जिसमें वो लोग बर्थडे मना रहे होते हैं और वहाँ पर मेडिसन गैब्रियल से बात करती है, जिसमें उसके माता पिता को लगता है कि वो उसका इमेजिनरी फ्रेंड है और वो रियल है, ऐसा मेडिसन को लगता है और फिर एमा प्रेग्नेंट होती है और सिडनी उसके पेट में होती है और वहीं पर उसके पिता देखते हैं कि मेडिसन एक फ़ोन पर गैब्रियल से बात कर रही है और वो उन्हें देख कर ये बंद कर देती है और एमा को गैब्रियल के बारे में इतना ही पता होता है, ये वो बताती है और वहाँ वो बोलती है कि उन्हें वो काफ़ी अजीब लगता था और अगर उन्होंने मेडिसन को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया तो वो सब चीज़ें भूल जाएगी। दूसरी तरफ सो डॉक्टर फ्लोरेंस की फाइल्स देख रहा होता है, जिसमें उसे कुछ पेन ड्राइव्स मिलते हैं और वो उनकी वीडियो फाइल्स चेक करते हैं, जिसमें उसे फ्लोरेंस के रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं और वो बताती है कि एमली उन लोगों के पास 7 साल से है और वो काफ़ी अलग है और कुछ महीनों से उसके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ रहा है, साथ ही उसे काफ़ी बुरी चीज़ें दिखाई देती हैं और उसे वो डेविल भी दिखता है और वो उसकी मदद करना चाहते हैं और उसे फ्लोरेंस के साथ बेन और जॉन की फ़ोटो मिलती है और वो समझ जाता है कि फ्लोरेंस और बेन मर चुके हैं तो अब शायद किलर जॉन के पीछे जाएगा और सो जॉन की जानकारी इंटरनेट से निकालता है। दूसरी तरफ मेडिसन वॉशरूम में होती है और वहीं पर उसे जॉन नजर आता है और इसी के साथ उसका बाथरूम बदलने लगता है और वहां जॉन बाथटब में होता है और वहीं पर मेडिसन को गैब्रियल भी उसके हथियार के साथ दिखता है और फिर दूसरी तरफ सो भागकर जॉन के घर की ओर आता है और वो उसके घर में सब चीज़ें देखता है और जॉन को बाहर आने कहता है और वहीं पर जॉन मरा हुआ उसे बाथरूम में मिलता है और वहां पर मेडिसन भी होती है,
लेकिन वो शो को नहीं दिखती और फिर गैब्रियल शो पर हमला करता है जिसमें वो उससे बचता है और उस पर गोलियां चलाता है। तब गैब्रियल वहां से भागता है और फिर दोनों बाहर आते हैं और वहां गैब्रियल लटक लटक कर नीचे आता है और शो सीढ़ियों से नीचे भागता है और फिर वो भी नीचे कूद पड़ता है और दोनों सड़क से होकर छोटे रास्तों से एक गटर में घुसते हैं और वहां शो गैब्रियल के पीछे ही होता है और अंत में वो लोग एक रूम में होते हैं और वहां उसे कुछ नहीं दिखता और वहीं पर शो की ओर एक गाड़ी आती है जिससे वो बच जाता है और फिर वो आसपास देखता है और वहीं पर गैब्रियल छुपा हुआ होता है और वो सामने आता है और दोनों लड़ते हैं और फिर गैब्रियल काफ़ी जल्दी से ऊपर चढ़कर वहाँ से भाग जाता है और इस चीज़ से शो डरा हुआ भी दिखता है। और इस हादसे के चलते सब मेडिसन के घर पर जमा होते हैं और वहाँ वो लोग बात करते हैं जिसमें मेडिसन बताती है कि वो अडॉप्टेड थी और वहाँ शो उसकी फ़ोटो देता है और वो बताता है उसका नाम पहले एमली हुआ करता था और ये चीज़ उसे भी पता होती है और उसे याद होता है कि वो हॉस्पिटल में थी। और फिर एक साइकेट्रिस्ट मेडिसन को उसके बचपन की यादें याद करवाती है जिसमें उसे याद आता है कि उसके माता पिता के एडॉप्शन के बाद एक दिन उसके माता पिता को वो बताती है कि उसे गैब्रियल रियल में नजर आता है और उसके माता पिता उसकी बात नहीं मानते। तब वो रोने लग जाती है और वहीं पर उसका फोन बजता है और उसकी बात गैब्रियल से होती है और फिर वो उसे कुछ कहता है और फिर वो बताती है कि वो उसके माता पिता को सरप्राइज देने कहता है और फिर मेडिसन एक चाकू लेती है और उसे लेकर वो सिडनी के वेलकम केक के पास आती है और वहीं पर सब चीज़ें बदलने लगती हैं और असल में मेडिसन उसकी माँ के पेट के पास चाकू लेकर खड़ी होती है और वहाँ गैब्रियल उसकी माँ को मार देने कहता है और वहीं पर एमा उठती है और चिल्लाती है और वहाँ मेडिसन भी चिल्लाती है और वो प्रेजेंट टाइमलाइन में भी चिल्ला रही होती है। तब सब लोग उसे संभालते हैं और वहीं पर वो शांत होती है जिसमें उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा ये चीज़ वो बोलती है और वहाँ वो बताती है कि ये चीज़ उसके साथ पहले भी हुई थी और कभी कभी गैब्रियल उसे कंट्रोल कर लेता है और उसका मानना होता है कि शो सही था कि असली किलर गैब्रियल ही है। और वहाँ मॉस कन्फ्यूज होती है कि वो एक इमेजिनरी दोस्त है और वो खून कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ टेरस पर रस्सियों को तोड़कर जेनी आज़ाद हो जाती है और फिर उसे एक चाकू मिलता है जिससे वो अपने पैरों की रस्सी को काट कर नीचे आती है और वहाँ पर वो भागने जाती है और वो नीचे गिरती है जिसमें वो मेडिसन के घर पर ही होती है और वो सबके बीच में गिरती है और जिसे देखकर मेडिसन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सारे ऑफिसर्स होते हैं और वो लोग उस जगह के आसपास देखते हैं और वहाँ पर मेडिसन को भी वो लोग बांध कर लेकर जा रहे होते हैं जिसमें वहाँ सिडनी शो और मॉस को बोलती है कि उसकी बहन बेकसूर है जिसमें मॉस बोलती है कि उसके मामले में उसे टांग नहीं अड़ानी चाहिए और ये जगह एक क्राइम सीन है तो उसे वहाँ से दूरी रहना चाहिए। और वहीं पर विनी उन्हें अंदर लेकर जाती है जिसमें वहाँ पर गैब्रियल के कपड़े और उसका हथियार भी नज़र आता है और वो हथियार वो लोग मेडिसन को दिखाते हैं जिसमें वो बताती है कि वो गैब्रियल ने किया है। और वहाँ मॉस का मानना होता है कि वो कहानियाँ सुना रही है और वहाँ सब चीज़ें अजीब लगती हैं और वो चिल्लाती हैं और सब लाइट टूट जाती है। और फिर शो को एक फ़ोन आता है, तब मेडिसन बोलती है कि गैब्रियल उससे बात करना चाहता है और फिर शो फ़ोन को लाउड स्पीकर पर रखता है जिसमें गैब्रियल बोलता है कि उसे पता है कि वो कौन है और वो खुद को एक इमेजिनेशन बताता है और वहाँ मेडिसन उसे डेविल बुलाती है। और फिर सिडनी अपने घर पर जाती है जिसमें उसकी माँ से वो एक एड्रेस लेती है और फिर वो अपने घर से डॉक्टर फ्लोरेंस के हॉस्पिटल की ओर जाती हुई नजर आती है जिसमें वो कई सालों से बंद हो चुकी होती है। और फिर सिडनी अंदर जाती है जिसमें अंदर जाकर वो सब चीज़ें देखकर आगे बढ़ती है और वहीं पर उसे पता चलता है कि स्टोर रूम बेसमेंट में है। दूसरी तरफ मेडिसन को जेल में भेज दिया जाता है जिसमें वो डरी हुई होती है और वहाँ की दूसरी कैदी औरतें उसे देखती हैं और फिर मेडिसन एक जगह पर आकर बैठ जाती है और सिडनी को नीचे फाइल्स मिलती हैं। तब वो मेडिसन की फाइल पढ़ती है और उसे वहाँ पर कुछ वीडियो टेप्स भी मिलती है जो कि वो अपने घर पर लाती है और उसकी माँ के साथ देखती है जिसमें उन लोगों को जेनी की रिकॉर्डिंग मिलती है और वो बताती है कि वो 15 साल में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बच्चा वो फ्लोरेंस के वहाँ पर छोड़ने तैयार होती है जिसमें वो लोग उसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करेगी ये वो बताते हैं। और वहाँ वो बताती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा अलग है और फिर वो अपने बच्चे के साथ साथ एमिली का भी ध्यान रखने कहती है। और वहाँ सिडनी की माँ बोलती है कि उन लोगों को कहा गया था कि मेडिसन की माँ जन्म के वक्त ही मर गई थी। और फिर जिनी हमें प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल में नजर आती है जिसमें उसका इलाज चल रहा होता है और वहाँ पर शो भी होता है और वहाँ पर मॉस आती है और वो उसकी डॉक्यूमेंट शो को दिखाती है और शो ने मेडिसन की फाइल पढ़ी थी जिससे वो समझ जाता है कि वो मेडिसन की असली माँ है। दूसरी तरफ सिडनी मेडिसन की फाइल्स देखती है जिसमें उसे उसके बारे में पता चलता है और डॉक्टर फ्लोरेंस उसे
सब चीज़ें पूछ रही होती है, जिसमें वो बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है और गैब्रियल उसकी हर बात सुन सकता है और इसी वजह से वो कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। साथ ही गैब्रियल उसे लोगों पर हमला करवाता है और गैब्रियल के चलते वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन चुकी है और उसे उसकी बातें सुनाई देती हैं और अब वो उस पर कंट्रोल भी करने लगा है। और फिर फ्लोरेंस मेडिसन को पीछे देखती है और मेडिसन से जुड़ा हुआ गैब्रियल दिखाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है और उसे देखकर सिडनी और उसकी माँ की भी फट जाती है। और वहाँ फ्लोरेंस बताती है कि गैब्रियल और फ्लोरेंस जुड़े हुए हैं, जिसमें वो दोनों ट्विंस हैं और जब दोनों उसकी माँ के पेट में थे तब गैब्रियल का ग्रोथ नहीं हो रहा था और इसलिए वो मेडिसन से जुड़ चुका था, लेकिन वो फिर भी ग्रोथ नहीं कर पाया और इसी के चलते वो उसका आधे अंग मेडिसन से जुड़े हुए हैं। और फिर डॉक्टर बेन कुछ चीज़ें गैब्रियल को दिखाते हैं और उसके बारे में मेडिसिन बताती है और वहाँ फ्लोरेंस बताते हैं कि दोनों के दिमाग जुड़ गए हैं और इसी वजह से दोनों एक दूसरे को हर चीज़ बता सकते हैं और उन्हें कुछ भी दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ जेल में मेडिसिन नज़र आती है, जिसमें एक औरत उसका मजाक उड़ाती है और वो लोग उसे घेर लेते हैं और फिर वो लोग सब मिलकर उसे मारते हैं और जेल में एक कैदी मेडिसिन को खींचती है तब उसके हाथों में खून आता है और मेडिसिन तड़पने लगती है। और पास्ट में दिखाया जाता है कि एक दिन हॉस्पिटल में गैब्रियल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था और उस दिन डॉक्टर बिन बता रहे थे कि मेडिसिन को गैब्रियल पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, जिसमें वो उसके शरीर यूज़ करता है और वो उसे ऐसा फील करवाता है कि वो अपने काम कर रही है, लेकिन असल में वो उसका यूज़ करके कुछ भी कर सकता है। और यही चीज़ हमें फिल्म में दिखाई जाती है कि मेडिसिन को लग रहा था कि वो अपने घर पर है पर असल में वो गैब्रियल बनकर खून कर रही थी और उसी ने सब लोगों को मारा होता है। और फिर फ्लोरेंस ने फिल्म की शुरुआत की घटना के बारे में गैब्रियल को काट कर अलग कर दिया था, जिसमें उसने मेडिसिन के दिमाग से उसको निकाल कर अलग कर दिया था, ये चीज़ बताई जाती है। और प्रेजेंट में मेडिसिन अपने बालों को खींचती है और उसमें से उसके दिमाग में से गैब्रियल बाहर आता है और मेडिसिन का पूरा शरीर गैब्रियल के कंट्रोल में आ जाता है और फिर वो आगे बढ़ता है, जिसमें सब कैदी डर जाते हैं और फिर वो एक एक करके सबको मारने लगता है, जिसमें गैब्रियल सबको काफ़ी बेरहमी से मारता है और वो पूरी तरह से मेडिसिन के कंट्रोल कर रहा होता है। और वहाँ एक ऑफिसर उसे रोकता है तब वो उसे भी पकड़ कर मार देता है और फिर वो उसे चाबी ले लेता है। दूसरी तरफ सिडनी शो को फ़ोन करती है और वो बताती है कि गैब्रियल मेडिसिन के कंट्रोल में है और वो दोनों ट्विंस थे और कई सालों से मेडिसिन के दिमाग में था, जिसमें वो धीरे धीरे शांत हो गया था, लेकिन डेरिक के मारने के बाद वो ट्रिगर्ड हुआ और उसके चलते मेडिसिन के दिमाग में गैब्रियल फिर से एक्टिव हो गया और वहाँ शो उसकी बातें समझ नहीं पाता और फिर वो अंदर जाता है। दूसरी तरफ एविडेंस रूम में विनी गैब्रियल के हथियार और सामान को रख रही होती है और वहीं पर उसे अजीब आवाज़ें आती हैं, तब वो छुप जाती है और वहाँ गैब्रियल डोर को तोड़कर अंदर आता है और वहाँ वो सारा सामान फेंकता है और उसे अपना सामान मिलता है, तो वो अपना कोट पहनता है और अपना हथियार निकालता है और कसम से वो अपरिचित के अवतार में नजर आता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। और तब जेल में मॉस और सो दूसरे ऑफिसर के साथ आते हैं, जिसमें वहाँ कई सारे ऑफिसर्स मरे हुए देखते हैं और वहाँ सब लाइट्स टूट जाती हैं और गैब्रियल सबको पकड़ पकड़ कर मारने लगता है, जिसमें वो अपने हथियार से सबको मारता है और वहाँ ऑफिसर्स उस पर गोलियाँ चलाते हैं, जिसमें वो सबसे बचता है और फिर वो कुछ ऑफिसर्स को मारता है और वहाँ मॉस बैकअप मंगवाती है और वहीं पर गैब्रियल एक ऑफिसर को मार देता है और वहाँ सो उसे देखता है और वो मेडिसिन को बुलाता है, जिसमें वो उसके दिमाग में अभी भी जेल में ही होती है और वहाँ सब नॉर्मल होता है और वो उठती है, तब वो देखती है कि जेल में सब ऑफिसर्स मरे हुए हैं और उसे सो दिखता है और तब गैब्रियल सो पर हमला करती है और वहाँ मॉस उसे बचाती है और फिर वो गोलियाँ चलाती है, जिसमें मॉस और सो दोनों घायल होते हैं और गैब्रियल वहाँ पर छुप जाता है और मॉस और सो वहाँ से भागते हैं, तब गैब्रियल उन पर एक चेयर फेंकता है जिसमें दोनों पर वो लगती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर गैब्रियल ऊपर आता है और वो सबको वहाँ से देखकर निकलता है। कुछ देर के बाद विनी वहाँ पर आती है, तब वहाँ पर सो उठता है और विनी एम्बुलेंस बुलाती है और वहाँ मॉस उसे जेनी को बचाने कहता है। दूसरी तरफ सिडनी हॉस्पिटल में जेनी के पास आती है, जिसमें उसे एक ऑफिसर रोकता है और वहाँ उसे अजीब लगता है, तब सिडनी उसे संभालती है और वहीं पर उसे गोली लगती है और वहाँ की लाइट बंद होती है और फिर सिडनी के सामने ही गैब्रियल आता है और वो उस पर हमला करता है, जिसमें मेडिसिन चिल्लाती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और फिर वो जिनी के रूम में होते हैं और वहाँ गैब्रियल बताता है कि वो सबको मार देगा और वहाँ की चीज़ें टूटने लगती हैं और गैब्रियल सिडनी को उसके पैदा होने से पहले ही मारना चाहता था, ये बताता है और फिर वो उसे मारने चाहता है और वहाँ जिनी उठती है और वो गैब्रियल से माफ़ी मांगती है, जिसमें वो बताती है कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए था और वो उसकी माँ है, जिसमें मेडिसिन इमोशनल होती है और वहाँ सो आता है
है और वो गैब्रियल पर हमला करता है। तब वो अपना हथियार फेंकता है जिसमें वो घायल हो जाता है और फिर सिडनी उसे सो की बंदूक दिखाती है। तब गैब्रियल उस पर बेड फेंकता है और वहाँ सिडनी मेडिसन से बात करती है जिसमें वो उसे बताती है कि मेडिसन उसे कंट्रोल कर सकती है और उसे गैब्रियल को रोकना चाहिए क्योंकि उसी ने उसके बच्चे को मारा था। और वहाँ मेडिसन अपने हाथ को कंट्रोल करने लगती है और वहीं पर गैब्रियल सिडनी पर बंदूक तानता है और उसे मार देता है। और फिर वो जीनी के पास आता है और वो उसे मार देगा ये बोलता है और फिर वो उसकी सांस रोकता है जिसमें वो मारी जाती है। और वहाँ मेडिसन बोलती है कि वो एक बुरा मॉन्स्टर है और फिर सब चीज़ें बदलने लगती है और वहाँ मेडिसन और वो दोनों उसके दिमाग में सामने आते हैं और वहाँ वो बोलती है कि उसे सब ट्रिक्स आ चुकी है और गैब्रियल असल में अभी भी सिडनी पर बंदूक ताने ही होता है। और मेडिसन उसे रोकती है जिसमें गैब्रियल उसे बोलता है कि वो बॉडी डिजर्व नहीं करती है। तब मेडिसन बोलती है कि वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और उसने अपने दिमाग में ही गैब्रियल को एक जेल में बंद कर दिया होता है जिसमें वो चिल्लाता है। और फिर असल में मेडिसन उठती है और गैब्रियल फिर से उसके दिमाग में घुस जाता है और उसका सर ठीक हो जाता है और फिर वो कोड निकाल कर फेंकती है। और फिर वो सिडनी के पास आती है और माफ़ी मांगती है और बोलती है कि वो सब चीज़ें कर सकती है जो गैब्रियल कर सकता है। और फिर वो बैट को उठाकर उसे आज़ाद कर देती है और वहाँ पर जीनी भी खुश दिखती है। और फिर मेडिसन सिडनी को बोलती है कि हमेशा खून का रिश्ता ही सच्चा नहीं होता, कुछ रिश्ते खून से भी बढ़कर होते हैं और वो उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। और फिर दोनों बहनें मिलती हैं और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन से दूसरी मूवी सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है FreshMojoIndia।